हेलो 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 बच्चों, कैसा लग रहा है? 18 दिनों के इस चैलेंज में हम इसके अंतिम चरण पर आ गए हैं। आज है 18 दिनों के इस चैलेंज का 16वां दिन और हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं। आज भौतिकी और गणित का भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आप आज के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे अपनी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को लेकर, खास करके इन सब्जेक्ट्स को लेकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर। कल हम जीव विज्ञान का आखिरी अध्याय भी देख लेंगे, पर आज हमने सिर्फ भौतिकी और गणित का एक एक अध्याय रखा है आपके लिए। याद रहे कि अभी तक जितने भी अध्याय आपको दिए गए हैं उन सब के वन शॉट वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है 12वीं बोर्ड में 75% से ऊपर लाने के लिए। और अगर आप ये सब देख के सारे प्रश्न हल करके 85% से ऊपर ले आते हो तो ₹15,000 का इनाम तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, है ना? तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि 16वें दिन यानी कि आज हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए। तो भौतिकी में हम पढ़ेंगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भौतिकी का आखिरी अध्याय है। बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे याद करना समझना आसान भी है ना? तो अर्धचालक को पढ़ो वन शॉट वीडियो से, आकिब सर ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। वन शॉट वीडियो देखो, सारे प्रश्न हल करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अर्धचालक का कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लिखना, ठीक है? और अर्धचालक से 3 से 4 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में फर्क क्या होता है, डायोड क्या होता है, जेनर डायोड के बारे में कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो चैप्टर तो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है? गणित की अगर बात करें तो रैखिक प्रोग्रामिंग मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही आसान पड़ता है बच्चों को। एक तरीका है प्रश्नों को हल करने का और उसी तरह से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। तो वन शॉट वीडियो रैखिक प्रोग्रामिंग का भी देखो, क्योंकि छोटा चैप्टर होने के साथ साथ ये काफी आसान भी है और एक दो प्रश्न तो आएंगे ही, 2 से 3 नंबर का तो पूछा ही जाएगा। तो अगर आसानी से 2 से 3 नंबर मिलते हैं तो क्या बुरे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग का भी वन शॉट वीडियो और इविहान एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसे जाकर देखो। प्रश्न भी हल कराए गए हैं ये समझाने के लिए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी ये समझने के लिए, ठीक है? तो बिना समय बर्बाद किए 16वें दिन की पढ़ाई शुरू कर दो। आज के लिए आपके पास भौतिकी और गणित है, आज आप भौतिकी और गणित का भी पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर, ठीक है? मॉक टेस्ट कैसे देना है, उनमें क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।